संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने हाल ही में सीएसई 2020 फाइनल परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था, जिसमें हरियाणा की रहने वाली देवयानी ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और ऑल इंडिया में 11वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनने में सफल रही। इससे पहले देवयानी ने पिछले साल अपने चौथे प्रयास में 222वीं रैंक हासिल की थी। तो चलिए जानते हैं आज इनकी कहानी। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देवयानी हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली हैं और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा चंडीगढ़ के एसएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की थी और इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके बाद देवयानी ने साल 2014 में बिट्स पिलानी के गोवा कैंपस से इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। देवयानी हिसार के संभागीय आयुक्त विनय सिंह की बेटी है और उन्होंने शुरू से ही अपने पिता को एक सिविल सेवा के रूप में काम करते देखा था, इसलिए वह भी अपने पिता जैसा बनना चाहती थी। देवयानी अपने पिता को ही प्रेरणा मानती है। देवयानी के लिए आईएएस बनने का सफर आसान नहीं था और लगातार 3 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने सफलता के लिए अपनी मेहनत को नहीं त्यागा। देवयानी ने साल 2015, 2016 और 2017 में यूपीएससी परीक्षा दी थी, लेकिन वह पास ही नहीं हो पाई। पहले और दूसरे प्रयास में देवयानी प्री एग्जाम भी पास नहीं कर पाई थी। साल 2017 में वह इंटरव्यू राउंड तक पहुंची, लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका नाम ही नहीं आया, जिसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और साल 2019 की एग्जाम में सफलता हासिल कर 2022वीं रैंक पाने में वह सफल रही। 2022वीं रैंक हासिल करने के बाद देवयानी का चयन सेंट्रल ऑडिट विभाग के लिए हुआ और इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी, लेकिन इसके साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी करती रही। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने देवयानी ने ऑल इंडिया में 11वीं रैंक हासिल की और आईएएस बनने में सफल रही। इससे पहले साल 2019 में देवयानी का चयन राजस्थान सिविल सेवा में भी हुआ था। देवयानी ने कभी भी यह नहीं देखा कि वह कितने घंटे पढ़ाई करती थी। वह बिना किसी टेंशन के गंभीरता से पढ़ाई करती थी। सेंट्रल ऑडिट विभाग में चयन के बाद उन्हें पढ़ाई के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता था, इसलिए वह वीकेंड्स यानी शनिवार और रविवार को ही पढ़ाई करती थी। देवयानी के मुताबिक उन्होंने इस बार की परीक्षा में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ज्यादा नंबर लाने का लक्ष्य रखा था और इसमें वह सफल भी हुई थी। इसके साथ ही इंटरव्यू की तैयारी के लिए उन्होंने मॉक इंटरव्यू का सहारा भी लिया और इसका काफी फायदा भी हुआ। इसके अलावा देवयानी रोजाना अखबार पढ़ती थी और लिखने पर भी उन्होंने काफी ध्यान दिया। तो यह थी आज की स्टोरी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की स्टोरी काफी पसंद आई होगी। इसी के साथ आप कौन से आईएएस ऑफिसर की कहानी सुनना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।